आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ स्पीकर क्लीनर एप्लीकेशन को आप अपने फ़ोन में कैसे यूज़ करेंगे। तो गाइस अगर आप भी जानना चाहते हो स्पीकर क्लीनर एप्लीकेशन क्या है और इस एप्लीकेशन को हम अपने फ़ोन में कैसे यूज़ करें तो फिर इस वीडियो को देखते रहिए। तो गाइस सबसे पहले आपको प्ले स्टोर के अंदर जाना है और प्ले स्टोर में जाने के बाद सबसे पहले स्पीकर क्लीनर एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में डाउनलोड कर लीजिए। एंड गाइस डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा अबाउट दिस ऐप का, इसके ऊपर क्लिक करके इसकी पूरी जानकारी आप जो है ले सकते हैं। इसके अलावा गाइस आप देखते हो 4.5 इसको स्टार मिले हुए, 18K इसके रिव्यूज़ है, रेटेड देखते हो 3+ रेटेड है एंड गाइस 1 मिलियन प्लस इसकी जो है डाउनलोडिंग है। अब कैसे एप्लीकेशन को यूज़ करना, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो हम अपने फ़ोन में इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। अब जैसे इस एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद एप्लीकेशन थोड़ा सा लोडिंग लेगा और गाइस एप्लीकेशन ओपन करने के बाद यहाँ पर और भी बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। जैसे आप देखेंगे ऑटो क्लीनर का ऑप्शन है, मैन्युअली क्लीनर का ऑप्शन है एंड वाइब्रेट क्लीनर का ऑप्शन है, ठीक है। तो ऑटो क्लीनर के अगर ऊपर हम क्लिक करेंगे एंड गाइस ऑटोमेटिकली सारा जो है क्लीन हो जाएगा, ठीक है। इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे एंड गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो फ्रंट एंड ईयर दो स्पीकर्स होंगे। तो जैसे फ्रंट के ऊपर हम क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर जो हम प्लस वाले आइकॉन के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर देखेंगे फ्रंट एंड ईयर दोनों। अब जैसे यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करके हम प्ले करेंगे, उसके बाद यहाँ पर देखते हो इसे क्लीन करना है तो यहाँ पर ये कम्प्लीटली यहाँ पर इस तरह से जो है क्लीन हो जाएगा, ठीक है। और ये स्कैन होगा और गाइज यहाँ पर इसका टेस्ट भी साथ ही साथ हो जाएगा, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पर इसे एयर वाले पे क्लिक करेंगे तो ये भी इस तरह से यहाँ पर जो है ऑटो क्लीन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से पॉज करेंगे और बैक आएंगे। उसके बाद गाइज यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे इसके ऊपर क्लिक करके हम पॉज करेंगे, उसके बाद यहाँ से हम बैक करेंगे। बैक करने के बाद मैन्युअली क्लीनर वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद मैन्युअली अगर आपको क्लीन करना है तो मैन्युअली भी यहाँ पर आप जो है क्लीन कर पाएंगे अपने हिसाब से। जैसे भी क्लीन करना है मैन्युअली अपने हिसाब से इसे जो है क्लीन कर पाएंगे। इससे आपका जो स्पीकर रहेगा वो यहाँ से जो है क्लीन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से गाइस आप अपने फ़ोन में टेस्ट करना है स्पीकर को तो यहाँ पर जो है टेस्ट भी कर सकते हो। इसका जो टेस्ट है वो कम्प्लीटली यहाँ पर आप जो कंप्लीट कर पाएंगे। तो इस तरह से गाइस आप अपने फ़ोन में स्पीकर क्लीनर एप्लीकेशन को यूज़ कर पाएंगे।